आगरा में तेज रफ्तार बस अनियंत्रित होकर पलटी है। आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर यह हादसा हुआ है। तो बड़ी जानकारी, तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है एक बार फिर से। आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर यह भीषण हादसा हुआ है। 30 यात्रियों के घायल होने की खबर मिल रही है। तो घायलों को अस्पताल में हालांकि भर्ती करा दिया गया है। बस में सवार थी करीब 990 सवारियां। ड्राइवर की लापरवाही से यह हादसा बताया जा रहा है। बिहार से दिल्ली जा रही थी बस। तो बड़ी जानकारी आपको आगरा से दे रहे हैं। तेज रफ्तार बस अनियंत्रित होकर पलटी, जिस कारण यह हादसा हुआ। आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर यह हादसा हुआ है। तो 30 यात्रियों के घायल होने की खबर भी है। घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। बस में सवार थी करीब 90 सवारियां। तो ड्राइवर की लापरवाही से यह हादसा हुआ है। तस्वीरें आप देख रहे हैं। तो बिहार से दिल्ली की तरफ ये बस जा रही थी, जिस कारण यह हादसा हुआ। तो तेज रफ्तार बस अनियंत्रित होकर पलटी है, जिस कारण यह हादसा हुआ है। तो नरेश धाकरे हमारे संवाददाता फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नरेश, अभी फिलहाल घायलों की स्थिति क्या है? जी देखिए मनीषा, आपको बता दें, ये पूरा मामला आगरा के थाना डोगी क्षेत्र के एक्सप्रेसवे का बताया जा रहा है, जहां आपको बता दें कि तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। बिहार से दिल्ली की तरफ जा रही बस अचानक से अनियंत्रित होकर के पलट चुकी है। आपको बता दें कि जिस समय हादसा हुआ, बस में करीब 90 सवारियां मौजूद थी, जिसमें से 30 सवारियां घायल बताई जा रही हैं। पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है। जो घायल है उन्हें अस्पताल में उपचार के लिए भिजवा दिया गया है और लगातार पुलिस मामले की जांच पड़ताल करने में लगी हुई। आपको बता दें कि ड्राइवर की लापरवाही से यह हादसा हुआ है। फिलहाल ड्राइवर को लेकर क्या कुछ जानकारी है? क्या ड्राइवर मौके से फरार बताया जा रहा है या फिर पुलिस की पकड़ में है? देखिए बिल्कुल, जो सवारियों से हमें जानकारी मिली है, सवारियों के मुताबिक बताया जा रहा है कि जो चालक है वो धूम्रपान कर रहा था। धूम्रपान करते समय अचानक से बस अनियंत्रित हो गई और जिसके चलते बस पलट गई, जिसमें कि करीब 30 सवारियां घायल बताई जा रही हैं। अभी जो चालक है उसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है, लेकिन फिलहाल सूत्रों के हवाले से खबर ये आ रही है कि चालक बस को छोड़कर के फरार हो चुका है। पुलिस जांच पड़ताल करने में लगी हुई है। लेकिन मौके पर कोई घटना स्थल पर कोई पुलिस अधिकारी या फिर किसी तरह की कोई टीम वहां पर मौजूद है जो रेस्क्यू कर रही है? जी मौके पर थाना पुलिस पहुंच चुकी है। अभी कोई जिम्मेदार अधिकारी मौके पर पहुंचने की ऐसी कोई सूचना नहीं है। थाना पुलिस के द्वारा सभी जो सवारियां हैं उनका रेस्क्यू किया गया है और जो घायल है उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ठीक नरेश, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। बस में सवार करीब 90 सवारियां थी और आगरा से लखनऊ की तरफ ये बस जा रही थी। हालांकि ड्राइवर की लापरवाही से यह हादसा हुआ, ऐसी जानकारी मिल रही है।